हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएसके ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों, इस गाड़ी में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसे कस्टमर ने इग्नोर कर दिया और गाड़ी को ऐसे ही चलने दिया। कुछ टाइम बाद इस गाड़ी की क्लच प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर सारा पार्ट्स खराब हो गया। उस छोटी सी प्रॉब्लम ने गाड़ी में इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। तो ये प्रॉब्लम इस गाड़ी में क्यों आई, इसकी क्लच प्लेट इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो गई, इस गाड़ी के क्लच में कितना खर्चा होने वाला, क्लच प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर की क्या कॉस्ट है, आपको इसमें कौन सा इंजन ऑयल ऐड करना है और कौन सा ऑयल फिल्टर ऐड करना है, और सबसे मेन बात क्लच फिट करने का सही तरीका क्या है कंपनी के अकॉर्डिंग। दोस्तों, इसके क्लच हब और क्लच सेंटर में एक टाइमिंग होता है, आपको इसे उसी टाइमिंग पर फिट करना है। दोस्तों, मैंने सोचा इस जानकारी को आपके साथ शेयर करना बनता है ताकि आप आगे होने वाले नुकसान से बच जाओ। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें आपके यूट्यूब पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब मेरे पास ये गाड़ी आई, मैंने इस गाड़ी की टेस्ट राइड ली, इसे चलाकर देखा तो इस गाड़ी में बिल्कुल भी पिकअप नहीं था। दोस्तों, गाड़ी का जो पिकअप होता है, भागने की जो क्षमता होती है, वो क्लच प्लेट से ही होती है। अगर आपकी गाड़ी क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो आपकी गाड़ी का पिकअप डाउन हो जाएगा, गाड़ी के भागने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और आपकी गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी, गाड़ी माइलेज नहीं देगी, गाड़ी हीट भी ज़्यादा होगी, गाड़ी में हीटिंग प्रॉब्लम भी होगी। जब मैंने इस गाड़ी का क्लच ओपन किया तो आप देख सकते हो इसकी क्लच प्लेट किस कंडीशन में है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और इसके क्लच हब सेंटर भी ख़राब हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये किस कंडीशन में है। दोस्तों, सबसे मेन बात इस गाड़ी का क्लच ख़राब होने का क्या रीज़न है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा, तो वीडियो पर एंड तक बने रहो। दोस्तों, क्लच को फिट करने से पहले आपको इसे अच्छी तरह से कम्प्लीटली वॉश कर लेना ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल इस पर ना रहे, आपको इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। दोस्तों, ये है इसकी किकशाफ्ट, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता, इसमें दो वार्शल होते हैं, एक छोटी वार्शल और एक बड़ी वार्शल। छोटी वार्शल को आपको अंदर की साइड लगाना है और बड़ी वार्शल को आपको बाहर की साइड लगाना है। इसे फिट करना बहुत आसान है, इसकी ग्राही को आपको यहाँ रखना है और इसके स्प्रिंग को आपको खींच कर यहाँ लगा देना है। इसकी किकशाफ्ट पूरी कम्प्लीटली फिट हो चुकी है, अब आपको इसके अंदर क्लच प्लेट को फिट करना है। सबसे पहले आपको एक वार्शल को इस टाइप की अंदर की ओर लगा देना है। इसके क्लच में ऐसी दो वार्शल होती हैं, एक वार्शल बाहर लगेगी। अब आपको ये बुश लगाना है, इसका सीधा उल्टा नहीं होता है, आप इसे दोनों साइड से लगा सकते हो। ये है इसका क्लच कटोरा, अब आपको इसका क्लच कटोरा लगा देना है। यहाँ एक प्लास्टिक की गरारी होती है ऑयल पंप की, आपको इसे सही तरीके से फिट कर देना है। अब आपको एक वार्शल इसके ऊपर लगाना है। अब हमें इसके अंदर क्लच प्लेट फिट करना है। ये है इसका क्लच हब बजाज कंपनी का, इसका कोड है PF551426। इसका प्राइस है 176 रुपये, ये इसका 2019 का प्राइस है। ये है इसका क्लच सेंटर बजाज कंपनी का, इसका कोड है PF551428 और इसका प्राइस है 143 रुपये, ये इसका मई 2022 का प्राइस है। ये है इसकी क्लच प्लेट बजाज कंपनी की, इसका कोड है 36PF0086, इसका प्राइस है 538 रुपये, ये इसका मार्च 2021 का प्राइस है। आप देख सकते हो, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो नई वाली क्लच प्लेट और पुरानी वाली क्लच प्लेट किस कंडीशन में है। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में नई क्लच प्लेट फिट कर रहे हो तो आप क्लच हब और क्लच सेंटर को ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर क्लच हब सेंटर ख़राब है तो ये क्लच प्लेट को बहुत जल्दी ख़राब कर देंगे, तो आप रिस्क मत लेना, आपको इसके अंदर नए क्लच हब और क्लच सेंटर ही फिट करना है। क्लच प्लेट फिट करने से पहले आप इस पर इंजन ऑयल लगा देना, क्योंकि क्लच प्लेट सूखी होती है, गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद ही क्लच प्लेट पर ऑयल पहुँचता है, तो आप क्लच प्लेट पर पहले ही इंजन ऑयल लगा देना, ये क्लच प्लेट की सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। आपको प्रेशर प्लेट की प्लेन वाली साइड नीचे रखना है और टेपर वाली साइड ऊपर रखना है। इसकी क्लच हब और क्लच सेंटर पर एक निशान होता है कुछ इस टाइप का, इन दोनों निशानों को आपको आमने सामने रखना है और इसे फिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ दो वार्शल लगाना है, प्लेन वार्शल अंदर लगाना है और कटोरी वाला वार्शल बाहर लगाना है। उसके बाद आपको इसका नट लगा देना है, ये उल्टी चूड़ी का नट होता है, आपको इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है। उसके बाद आपको ये चार स्प्रिंग लगाने हैं। उसके बाद आपको ये प्लेट लगानी है, इसकी प्लेट में एक बेयरिंग लगा होता है, इस बेयरिंग को आप चेकआउट जरूर कर लेना। इसकी प्लेट में 10 mm के चार बोल्ट होते हैं, इन बोल्टों को आपको आमने सामने टाइट करना है, चारों बोल्टों को आपको बराबर से टाइट करना है। तो गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, अब हमें इसके क्लच कवर को फिट करना है। ये है इसकी क्लच की ठेसी, आपको इसे सही तरीके से फिट कर देना है। अब आपको इसके क्लच कवर को सही तरीके से फिट कर देना है, आपको यहाँ पर क्लच का पेगिन लगाना है। इसके क्लच कवर में 8 mm के बोल्ट होते हैं, सारे एक साइज के,
आपको सारे बोल्ट डालकर इनको बराबर से टाइट करना है। आपको इन बोल्टों को आमने सामने टाइट करना है। दोस्तों अगर आपको अपनी गाड़ी को अपडेट करना है, आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, गाड़ी मिसिंग कर रही, गाड़ी बार बार बंद हो जाती है और आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी आ रही है, तो मेरे इस चैनल पर आपको बेसिक गाड़ी को अपडेट करने से रिलेटेड काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हमें इसके अंदर ऑयल फिल्टर को फिट करना है। यह है इसका ऑयल फिल्टर, बजाज कंपनी का। इसका कोड है DD121181। इसका प्राइस है 51 रुपये। ये इसका जुलाई 2022 का प्राइस है। मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो पुराना वाला ऑयल फिल्टर और नया ऑयल फिल्टर किस कंडीशन में है। आपको इसके ऑयल फिल्टर के अंदर नया ऑयल डालकर इसे अच्छी तरह से फिट कर देना है। ऑयल फिल्टर का काम होता है ऑयल को छानकर ऊपर हेड तक पहुंचाना। आपको ऑयल फिल्टर को हर सर्विस पर चेंज करना है। तो गाइज अब हमारा क्लच पूरा कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, अब हमें इसके अंदर इंजन ऑयल को ऐड करना है। आपको इसके अंदर बजाज का DTSI 1 लीटर 10W30 इंजन ऑयल ऐड करना है। इसका प्राइस है 515 रुपये। पहले इसका प्राइस 390 रुपये था, फिर इसका प्राइस 455 रुपये हुआ, अब इसका इस टाइम प्राइस 515 रुपये है। आपको इसके अंदर पूरा 1 लीटर इंजन ऑयल ऐड करना है। तो गाइज अब हमारा पूरा कम्प्लीटली इंजन ऑयल भी ऐड हो चुका है। दोस्तों सबसे मेन बात, अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी क्लच प्लेट इतनी जल्दी ख़राब क्यों हुई, क्लच प्लेट ख़राब होने का क्या रीज़न है। दोस्तों जब मैंने इस गाड़ी को पूरा कम्प्लीटली चेकआउट किया तो इस गाड़ी का क्लच का तार ख़राब था। आप देख सकते हो इसका क्लच का तार किस कंडीशन में है। इसका क्लच काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था, जिसे कस्टमर ने इग्नोर कर दिया और गाड़ी को ऐसे ही चलने दिया, जिसकी वजह से गाड़ी क्लच प्लेट, हब सेंटर, सारा पार्ट्स ख़राब हो गया। दोस्तों इसकी क्लच प्लेट ख़राब होने का जो मेन रीज़न था वो क्लच का तार था। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी के क्लच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी गाड़ी का क्लच टाइट चल रहा है, तो आपको सर्विस सेंटर जाकर क्लच के तार को चेंज करा देना है। दोस्तों मैंने सोचा इस जानकारी को आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि आप आगे होने वाले नुकसान से बच जाओ, आप अपनी गाड़ी को सही टाइम पर चेकआउट कर लो। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें आपके यूट्यूब पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें आपके यूट्यूब पर। गुड बाय।